जहां एक तरफ सवी अपनी बेगुनाही के सबूत जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि यहां पर ईशान भी अब इस बात को सोचने लगा है कि क्या वाकई में सवी ऐसी हरकत कर सकती है। अब उसे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि सवी ने ऐसा कुछ किया होगा और इसीलिए अब यहां पर एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है। तो क्या होने वाला है ऐसा, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि जहां एक तरफ अब यहां पर सवी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पहुंच चुकी है वाइस चांसलर के पास, वहीं वाइस चांसलर भी उसे इस बात को कहकर मोटिवेट करता नजर आया कि उसे अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाने होंगे। उसे खुद जुटाना होगा और इस बात के सबूत उसे खुद इकट्ठा करने होंगे कि वो बेगुनाह है। ऐसे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब ईशान भी इन सारी चीजों की तफ्तीश में सवी के साथ लग जाता है और उसके सामने ये सच आ जाता है कि जैकब ने झूठ बोला। जी हाँ, यहाँ पर झूठ बोला है जैकब ने। और जब यही बात पता चल जाती है ईशान को, तब वो साफ साफ जो है जैकब का कॉलर पकड़कर उसे घसीटता हुआ और उसे फटकारता हुआ नजर आया है। उसने साफ साफ कह दिया है कि उसे अपना गुनाह कबूल करना होगा, उसे मानना होगा कि उसने सवी को फंसाया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब जैकब किसी और का नहीं बल्कि राव साहेब और निशिकांत का नाम लेने वाला है, और तब ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सब कुछ राव साहेब का ही किया हुआ है। तो आपको कितना इंतजार है इस ट्विस्ट का, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।